फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स बरसात का मौसम है और हमारे पेड़ पौधों पे बहुत ही अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। बरसात के दिनों में जनरली कीड़े मकोड़े लग ही जाते हैं। ये देखिए, ये मेरे नींबू के पौधे पे इस तरह का कीड़ा आ गया है और वो इनके जितने भी पत्तियां हैं उनको वो खा रहा है। तो मैं एक एक करके सबको हटाऊंगी और उसको मैं मार भी दूंगी ताकि वो फिर आ ना जाए। मार दूंगी या फिर फेंक दूंगी। मैंने तो अभी फ़िलहाल उसको मार दिया। ये देखिए, ये कितने छोटे छोटे हैं और ये पूरा पत्ता को खा जा रहा है। फ्रेंड्स मालूम नहीं कहाँ से ये सब कीड़े मकोड़े आ जाते हैं पौधों पे और इस तरह से पत्तों को देखिए डैमेज कर दिए हैं। पूरा इसके पत्तियों पे चल, ये देखिए, ये छोटा सा भी है, छोटा सा ही है लेकिन पत्तों को बड़ा फास्ट खाता है ये। और बहुत सारे लग गए हैं फ्रेंड्स, एक दो नहीं बहुत सारे हैं। और ये देखिए उनका अंडा, इस कीड़े का जो है ये अंडा है। तो मैं ये पत्ता को ही तोड़ के फेंक दूंगी। ये देखिए इसका अंडा है ये इस कीड़े का। तो बरसात के दिनों में फ्रेंड्स थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ता है पौधों का। छत के ऊपर है फिर भी पता नहीं कहाँ से ये कीड़े आ जाते हैं, जबकि ये तो उड़ते भी नहीं हैं, फिर भी मालूम नहीं कहाँ से आते हैं। उड़ने वाले भी कीड़े नहीं हैं ये। ये देखिए, ये पूरा पत्ता ही ख़राब कर दिया है। तो मैं इन पत्तों को ही तोड़ के हटा रही हूँ, इनको हटा दूँगी मैं। पूरा पत्ता ख़राब हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये देखिए अंडा। तो मैं एक एक करके, अभी पौधा मेरा छोटा ही है तो एक एक करके मैं देख रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर का रासायनिक खाद वगैरह ना दूँ, पेस्टिसाइड्स ना दूँ, लेकिन अब ज़्यादा जब कीड़े हो जाते हैं तो फिर मजबूरन करना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल घरेलू उपचार ही करूँगी मैं। अभी हल्दी डालूँगी, जितने भी कीड़े थे उनको मैंने हटा दिए हैं, उनके अंडों को हटा दिया है। और मैं हल्दी का छिड़काव कर रही हूँ क्योंकि पौधा भी छोटा है फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ा पौधा तो है नहीं, तो उनकी जड़ों में भी मैं लगा देती हूँ। हल्दी बहुत ही अच्छा काम करता है फंगस पे, फंगस नहीं लगने देता है पौधों में। और ये देखिए मेरा सीम कितना अच्छा हो रहा है फ्रेंड्स। लेकिन इस पे ना छोटी छोटी चींटियाँ आ गई हैं, ये देखिए पत्तों को खा गई हैं। शायद चींटियाँ ही खाई हैं या कोई और खाया है मालूम नहीं, लेकिन इस पे चींटियाँ खूब चल रही हैं। काली काली छोटी से छोटी छोटी काली काली चींटियाँ हैं वो इस पौधे पे खूब चल रही हैं। तो मैं अपने सीम के पौधे पे भी हल्दी का छिड़काव कर रही हूँ इस तरह से। मैं जनरली हमेशा हल्दी का छिड़काव करती हूँ पौधों पर। तो इस तरह से मैं हल्दी का छिड़काव कर रही हूँ क्योंकि अभी ये पौधा छोटा है तो इसको नुकसान, मतलब छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं इसको जल्दी नुकसान पहुँचा देंगे। जब ये पौधा बहुत बड़ा, जब ये तैयार हो जाएगा तब इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही मजबूत हो जाएगा। और ये मेरा देखिए नेनुआ तुरई, ये भी अच्छा हो रहा है। तो इस पे भी चींटियाँ चल रही हैं तो मैं इस पे भी हल्दी का छिड़काव कर दे रही हूँ। तो मैंने जितने भी सब्जियों वाले पौधे लगाए हैं तो उन सभी पे मैं हल्दी का छिड़काव कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। अभी चींटियाँ बहुत आ रही हैं। और ये देखिए मेरा लौकी, लौकी भी बहुत ही अच्छा हो रहा है तो मैं उस पे भी थोड़ा थोड़ा हल्दी का छिड़काव कर दे रही हूँ।
लग पीछे इनको। तो फ्रेंड्स यही है मेरा ट्रीटमेंट, आई होप कि इससे चींटियाँ नहीं आएंगी, मुझे उम्मीद है कि चींटियाँ नहीं आएंगी, और अगर इसके बाद भी चींटी आती है तो फिर देखती हूँ कुछ घरेलू नुस्खा अपनाऊँगी, कुछ और हार्ड सॉल्यूशन इस पर डालूँगी ताकि चींटियाँ भाग जाएँ, कीड़े मकोड़े भाग जाएँ। फिलहाल तो अभी मैं हल्दी डाल दी हूँ, और हल्दी सबसे बेस्ट तरीका है कीड़ों मकोड़ों को भी हटाने का, फंगस को दूर करने का। तो यही सब है, छोटे मोटे उपाय करते हैं, करते रहते हैं। और देखिए ये तो इतने अच्छा अभी तो फ़िलहाल अच्छा ग्रोथ आ रहा है इसमें, आगे आगे देखते हैं कि कैसा होता है। हालांकि ये तो मेरा फर्स्ट पहला एक्सपीरियंस है। हल्दी तो मैं हमेशा और दूसरे प्लांट में भी देते रहती हूँ, तो इन पे भी मैंने दे दिया है, ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट कहिए या फिर जो भी। हल्दी से आई होप कि भाग ही जाएगा, दूसरे पौधों में जब चींटियाँ भाग जाती हैं तो इनसे भी भाग जाएंगे, है ना। हालांकि बरसात का टाइम है, ये कब धुल जाएगा कोई गारंटी नहीं है, छत के ऊपर है, तो फिर से मैं डाल दूँगी, जब फिर से चींटियाँ आएंगी तो फिर से डाल दूँगी। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक किए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।